Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाने वाले हैं और इससे काइट फाइटिंग करेंगे. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज काइट फाइटिंग का मूड नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन बहुत सारी पतंगें उड़ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं, तो मेरा भी दिल कर गया कि मैं भी पतंग लड़ाऊँ और पतंग लड़ा करके पेज वगैरह करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ. तो फ्रेंड्स, आज इस पतंग को अभी हम लोग सद्दी से खींचेंगे. ये रेड कलर की सद्दी है, मांझा नहीं है, और मेरे पास डमी भी है. अगर मैं पेज काटूंगा और अगर मेरी पतंग कटेगी भी तो भी और काटूंगा तो भी, मैं ये डमी है मेरी और इस डमी से मैं आपको पेज वगैरह समझाने की कोशिश करूंगा. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज जो है मेरा मूड था एक स्टार काइट बनाने का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि अंकल स्टार काइट कब बनाओगे, स्टार काइट कब बनाओगे. तो आज मेरे को एक स्टार काइट बनाना था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने प्रोग्राम बीच में ही ड्रॉप कर दिया. तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टार काइट जो बना रहे थे वीडियो, वो अधूरा पड़ा हुआ है. मैं कैमरामैन को बोलता हूँ आपको दिखाएगा अभी. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो स्टार काइट है ये अधूरा बना पड़ा हुआ है. ये जो ऑरेंज कलर वाला आप देख रहे हैं, इसको मैं बना रहा था. ब्लैक वाले को तो आप पहचानते हैं, इसको पहले बना चुका हूँ मैं. और इसको बना करके अभी मैं उड़ा उड़ा करके दिखाने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि अब मेरा पतंग लड़ाने का दिल कर रहा है. फ्रेंड्स, अब मेरे को जो है पतंग लड़ाना है, तो इस करके मैं पहले इस पतंग की ट्रायल कर लूँ और ट्रायल करके जो है इसको उड़ा करके देखूँ कि उड़ने में ठीक है कि नहीं है. तो चल शुरू हो जा भाई. पतंग तो ठीक लग रही है, अब आगे खेतने पे पता चलेगा अंदर है कि बाहर की है, अभी तो नहीं पता चल रहा है. कम से कम 25-30 मीटर अब मैं खींचता हूँ इसको, खींच करके देखता हूँ कि पतंग ठीक है. इन्हें चक्कर तो ठीक है, और ये भी चक्कर ठीक है, और ये भी चक्कर ठीक है. अब मैं इसको खींच करके देखूँगा. ठीक है पतंग, बिल्कुल 100% ओके है. और अब इसको उतार करके फ्रेंड्स मांझा लगा के उड़ा के आपको दिखाता हूँ. फ्रेंड्स, पतंग चेक हो गया. फाइनली पतंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी पतंग में डिफेक्ट नहीं है, ना चक्करों में, राइट लेफ्ट दोनों ही चक्कर ठीक है, और खींचने में बिल्कुल स्ट्रेट है, 100% ओके काइट है. और फ्रेंड्स, इसमें मांझा बचा हुआ है, तो पहले मैं इस मांझे को लगाऊंगा. और उसके अलावा जो आज मैं मांझा लगाने वाला हूँ, मिर्जा जी सूर्या जी, हाँ आप देख सकते हैं, आज मैं इस मांझे को लगाने वाला हूँ. थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन बहुत मस्त मांझा है. फ्रेंड्स, मेरे को तो इस बात की अफसोस हो रहा है कि अब ये चरखी ख़त्म होने वाला है और थोड़ा सा ही बचा है. ज़्यादा ज़्यादा 1.25 रील या 1.5 रील होगा, इससे ज़्यादा नहीं है. तो लेकिन इतना आज के लिए तो काफ़ी है. तो चलिए फ्रेंड्स, इस पतंग को उड़ाते हैं, उड़ा करके पेज लड़ाते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको उड़ाने लग रहे हैं और हियर वी गो नाउ. और मेरी पतंग गई जहाँ से, फ्रेंड्स अब पेज में पहुंचा करके आपको हम लड़ा करके दिखाएंगे. फ्रेंड्स, ये जो चक्कर ले रही है बाहर की चक्कर, और ये डाउन किया, ये मेरी पतंग है, ओपोनेंट की पतंग आसमान में है. अभी मैं राइट हैंड साइड से लड़ाऊंगा, यानी सोमेन घोष राइट हैंड साइड से लड़ाएगा. और ओपोनेंट की पतंग ऊपर है, वो लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाएगा. फ्रेंड्स, अभी वो चक्कर दे रहा है, मैं भी चक्कर दे रहा हूं, वो चढ़ करके आया. फ्रेंड्स, ओहो कट गया फ्रेंड्स, उसने भीतर का रुख कर लिया था, कट गया. बहुत अच्छा काट दिया फ्रेंड्स उसने, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया. भीतर के रुख पे काटा फ्रेंड्स, इतना बढ़िया लाजवाब पेच था.
फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ाएंगे। वो ब्लू वाली मेरी पतंग कट गई और इस वाली पतंग को उड़ा करके अभी लड़ाएंगे हम। ये भी पतंग बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, और मांझा ये लगाएंगे हम। फ्रेंड्स, मैं आपको इस पतंग को उड़ाने से पहले मैं पिछले पेज के बारे में आपको बता दूं कि मेरी पतंग किस तरह से कटी है। तो चलिए डमी के माध्यम से समझते हैं कि डमी क्या कहता है। फ्रेंड्स, मैं राइट हैंड साइड से मैं नीचे से लड़ा रहा था, मेरा ओपोनेंट ऊपर से लड़ा रहा था। फ्रेंड्स, ये आया मुड्डा और दोनों का ही एकदम बिल्कुल सही था। मेरा भी बहुत सही मुड्डा था, उसका भी सही मुड्डा था। और फ्रेंड्स, क्या हुआ कि उसने पेच के अंदर क्या किया मैं आपको बता दूं, उसने बहुत चालाकी से पेच लड़ाया, बहुत ही अच्छा पेच लड़ाया फ्रेंड्स। और मेरा ओपोनेंट है, लेकिन मैं अपनी ओपोनेंट की भी तारीफ करता हूं, क्योंकि अगर ओपोनेंट बहुत अच्छा लड़ा रहा है, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, हमको कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए, मैं ऐसे आया और मैंने एक दो चक्कर देने के बाद, और उसने अपने मुड्डा ऐसे कर रखा था। अभी देखिए दोनों पतंग की पोजीशन आप ठीक से देखिए, ये मेरा मुड्डा है और इसका ये है, यानी मैं आसमान में खींचूंगा, वो ज़मीन पे पट मारेगा, यही था। लेकिन जैसे ही मैंने खींचा फ्रेंड्स अपनी पतंग को, उसने क्या किया, थोड़ा सा तो नीचे मारा, मैंने सोचा उसने गद्दा मार दिया, मैंने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन फ्रेंड्स उसने अपनी पतंग की आधे चक्कर पे ही उसने भीतर रख लिया, और भीतर रख करके यहाँ पे थपकी मारी है, ये थपकी मारी है, इस तरह से थपकी मारी है फ्रेंड्स। और थपकी मारने से जब उसने मेरे पतंग के ऊपर थपकी मारी इस तरह से भीतर के मुड्डे पे, और मैं ऐसे बाहर खींचा, तो फ्रेंड्स मेरी पतंग कट करके निकल गई। और ये वन ऑफ द बेस्ट पेच होता है फ्रेंड्स, जो क्लब में लड़ाते हैं हम लोग, ग्राउंड में भी जाते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के पेच की जो है बहुत अहमियत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इन डमी को हम वापस रखते हैं, डमी गया स्टैंड में, और अब हम जो है इस पतंग को उड़ाते हैं, और इस पतंग को उड़ा करके लड़ा के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए जो भीतर का चक्कर ले रहा है मेरा पतंग है, ओपोनेंट का पतंग ऊपर है, और ये मैंने डाउन किया, ये मेरी पतंग है, और ओपोनेंट लड़ाएगा ऊपर से, मैं लड़ाऊंगा नीचे से। अभी ऊपर नीचे का हुआ नहीं है, यानी सही नहीं हुआ है। हो गया फ्रेंड्स, ऊपर नीचे हो गया है, और फिर से आ गया फ्रेंड्स, काट दी फ्रेंड्स, इस बार काट दी। बड़ा मेहनत करना पड़ा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, है सांस फूल गया, काट दिया। लेकिन इस बार फिर उसने भीतर की रखने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने इस पेच में टाइम लगाया, जल्दीबाजी नहीं करी, और देखिए उसकी पतंग जा रही है झूमती हुई। बहुत मस्त पेच था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये भी ओपोनेंट ने भी बहुत अच्छा पेच काटा था मेरा,
मैंने भी ओपोनेंट का बहुत अच्छा पेज काट दिया। फ्रेंड्स, इस पेज को मैं डमी से समझाता हूँ कि इस पेज में क्या हुआ। ये पेज भी पिछले पेज की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता था, लेकिन इसमें टाइम लगा, इसमें तसल्ली बक्स मैंने लड़ाया। और मैं आपको बता दूँ कि इस पेज में हुआ ये कि जैसे मैं नीचे आया अंदर इस तरह से, ओपोनेंट ने भी सही जगह पकड़ा था। एक बार तो क्या उसने गद्दा मारा, मैंने नीचे डाउन करके मैं बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे मेरी पतंग कमज़ोर थी तो बाहर निकलना ही ज़्यादा अच्छा था। दोबारा फिर क्या हुआ, दोबारा फिर जब सही हुआ मैं ऐसे आया और उसने क्या किया, ऐसे भीतर चक्कर देता रहा, मैं भी भीतर चक्कर देता रहा। मेरे को मौका मिला, मैंने जब खींचा, उसने भीतर पलटने की कोशिश करी, मैं यहाँ पे रुका, वो थपकी मारने लग गया फ्रेंड्स। और जैसे वो थपकी मारने लगा और मैंने क्या किया, पूरा सलंग खींच लिया और खींचा कहाँ, बाहर। बाहर खींचने से क्या हुआ, उसकी थपकी जो थी वो मिस कर गई, उसकी थपकी पड़ी नहीं पूरी तरह से, मैं खींच करके उसको ले गया, काट दिया इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, फिर से लड़ने जा रहा है और जो मेरी पतंग है ये चक्कर ले रही है बाहर की, और ये डाउन किया, ये पूरा डाउन किया, ये मेरी पतंग है, ओपोनेंट की पतंग आसमान में है। आ गया ओपोनेंट, आ गया ऊपर से फ्रेंड्स, काफी दमदार ओपोनेंट है, वो ऊपर चल जाएगा। मैं राइट हैंड साइड पे, वो लेफ्ट हैंड साइड पे। उसने ऊपर उठा ली फ्रेंड्स पतंग अपनी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसके डाउन करने का। काट दी फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन पेस था, बहुत ही बेहतरीन काट दिया उसका पेच फंसा करके फ्रेंड्स, मैंने काटा ये। और ये मेरा फेवरेट पेच है, वन ऑफ द फेवरेट पेच ऑफ माइन। फ्रेंड्स अगेन, इस पेज को हम लोग डमी से समझते हैं, ब्लू वाली काइट मेरी है, रेड वाली ओपोनेंट की है। और फ्रेंड्स क्या हुआ, इस पेज के अंदर अंदर बाहर हुआ, बहुत काफ़ी टाइम लगा और मैंने भी काफ़ी पेशेंस दिखाया फ्रेंड्स। और क्या हुआ कि ओपोनेंट ने ऐसे रखा और रखने के बाद क्या किया, डाउन करके उसने पेज को जो है ढीलों पे डाल दिया फ्रेंड्स। और मैंने भी क्या किया, मैं पहले भीतर का चक्कर देता रहा, वो भी भीतर का चक्कर देता रहा, लेकिन मेरे को एक जगह फ्रेंड्स उसकी पतंग लूज लगी। और जहाँ पे मेरे को उसकी पतंग लूज लगी, मैंने यहाँ ऐसे ऐसे करके बाहर का थपकी मारा। आप लोगों ने पेज को अगर ठीक से देखेंगे, मेरी थपकी ऐसे ऐसे पड़ी और उसकी पतंग बैंग उछल करके निकल गई।
फ्रेंड्स, इस पेज को हम लोग डमी से समझते हैं, और इसमें क्या हुआ कि ओपोनेंट अगेन ऊपर से लड़ाया, मैंने नीचे से लड़ाया। फ्रेंड्स, इसमें क्या, ये साधारण सा पेज था, पावर का था, और ओपोनेंट पूरा ताकत से बाहर खींच गया और मैंने भी पूरी ताकत से बाहर खींची फ्रेंड्स इस तरह से, और मेरे ताकत के अंदर पावर ज़्यादा था, मेरा पतंग ने ऐसे रगड़ते हुए उसके पतंग को काट दिया फ्रेंड्स। इस तरह से ये पेज था। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ाएंगे, इससे लड़ाएंगे पेच, और ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2-3 पेच ही लड़ पाएंगे, तो अब इसको उड़ा करके लड़ाते हैं। मेरी पिछली वाली पतंग जो कट गई वो बहुत ही अच्छी पतंग थी फ्रेंड्स, तो अब इसको पेच तक पहुंचाते हैं और आपको लड़ा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर नीचे हो गया है और अब देखिए क्या होता है। निकाल ले गया वो। कन्ना दबोच रहा था फ्रेंड्स, मैंने अपनी पतंग हटा ली। उसकी पतंग की कन्ना ही टूट गया फ्रेंड्स, वो देखिए कन्ना टूट गया, कन्ना टूट गया, और वो देखिए लटरम पटरम करके जा रही है। देखिए कन्ना टूटने के बाद क्या हाल होता है पतंग का, आप देख सकते हैं।
फ्रेंड्स इस पेज को हम डमी से समझते हैं कि किस तरह से पेज लड़ा। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही सिंपल पेज था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। फ्रेंड्स जैसे मैं नीचे से आया, उसने ऊपर से लिया। फ्रेंड्स मेरे को मालूम था कि वो गद्दा बहुत पावरफुल मारेगा, तो उसने अपना जिस हिसाब से मुड्ढा बार बार बना रहा था, तो मेरे को पता लग गया था कि वो जो है गद्दा तगड़ा मारेगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, उसके गद्दे की जगह को रोक दी। गद्दे की जगह को कैसे रोकी, मैंने अपनी पतंग जो है ऊपर चढ़ाया, बार बार ऊपर चढ़ा रहा हूँ। तो ऊपर चढ़ाने से ये हो रहा है कि उसका जो है गद्दा मारने की जगह नहीं बन रही थी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि एक बार उसको मौका मिला और उसने गद्दा मारा। जैसे गद्दा मारा, मैंने थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई और भीतर का चक्कर छोड़ दिया। फ्रेंड्स आपने आप पेज देखेंगे ठीक से, भीतर का चक्कर छोड़ दिया, उसने भी भीतर का चक्कर दिया था, लेकिन फ्रेंड्स मेरी पतंग हवा में ऊपर उड़ गई और उसकी पतंग डाउन हुई और डाउन होने से कट गई। फ्रेंड्स अब हम लोग पतंग उतार ले रहे हैं और ये देखिए मेरी पतंग उतर आई है गोल गोल चक्कर लेती हुई। मस्त पतंग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बहुत ही बढ़िया पतंग है और स्कोरिंग करने वाली पतंग है और मांझा भी बहुत अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड्स पतंग मैं नीचे गिरा दे रहा हूँ और ये देखिए पतंग को जाते हुए, और पतंग गई कहाँ, पतंग गई वो रुक जाए मिनट। वो देखिए फ्रेंड्स मैंने पतंग वहाँ गिरा दी और वो रही मेरी पतंग स्टार काइट के ऊपर। फ्रेंड्स आपको ये स्टार काइट जो है मैं एक दो दिन बाद बना करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने अपनी पतंग जो है स्टार काइट के ऊपर टिका दिया। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष जी, यही नाम है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, लव यू फ्रेंड्स।